ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने सुरक्षा की दृष्टि से एक बड़ा कदम उठाया है। परिषद की पहल पर अब वृंदावन की पंचकोशीय परिक्रमा मार्ग में सुरक्षा की दृष्टि से 48 कैमरे लगाए जाएंगे। पूरा परिक्रमा मार्ग सीसीटीवी कैमरे की जद में 24 घंटे रहेगा। सीसीटीवी कैमरे लगाने वाली कार्यदायी संस्था साई ई सॉल्यूशन के ऑनर राहुल सक्सेना के अनुसार ये कैमरे वृंदावन के साथ मथुरा में भी विभिन्न स्थानों पर लगाए जाएंगे। परिक्रमा मार्ग में 1 किलोमीटर की दूरी पर एक PTZ मूविंग कैमरा लगाया जाएगा। ये सीसीटीवी पहले लगाए हुए टावरों पर ही लगाए जाएंगे। हम आपको बता दें कि कैमरा लगाने का ये काम SP सुरक्षा की देखरेख में संपन्न होगा। अब 24 घंटे परिक्रमा में हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी। इससे जहां श्रद्धालुओं को लाभ होगा, वहीं असामाजिक तत्वों पर भी पैनी नजर रखी जा सकेगी। परिक्रमा मार्ग में पहले से ही लगे खराब कैमरे उतार कर नए लगाए जाएंगे। ये पहले से बने टावरों पर लगेंगे और जहां आवश्यकता होगी वहां नए टावर भी लगाए जाएंगे। इनका कंट्रोल रूम वृंदावन कोतवाली में ही बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये कर्मचारी जिस कैमरे को दिखा रहा है यही PTZ कैमरा है, जो चारों ओर घूमकर हर ओर नजर रख सकता है। श्रद्धालु और परिक्रमार्थियों की सुरक्षा की दृष्टि से ये सार्थक प्रयास सिद्ध होंगे।